राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। बाकी मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ अभी अमृतसर में और मैं यहाँ से जलियांवाला बाग देखने जाने वाला हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। जलियांवाला बाग आप लोग सभी जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 के दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, तो आज हम वहाँ जाएंगे और उसका ब्लॉग बनाएंगे। तो बाकी आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग और उसकी एक एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों ये है गोल्डन टेंपल, अमृतसर जाने का मेन रास्ता और ये काफ़ी बिजी रास्ता है जो आप देख रहे होंगे, काफ़ी भीड़ है। दोस्तों ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये उन लोगों की याद में बनाया गया जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड में अपनी जान गंवाई थी और इनमें इसके नीचे उन सभी का नाम भी लिखा गया है जिन जिन लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ जलियांवाला बाग में। दोस्तों जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास में ही एक छोटा सा बगीचा है जहाँ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के कहने पर जो अंग्रेज़ी सेना थी उसने गोलियां चलाई थी। और भाई वह गोलियां किसी दोषी पे या फिर किसी क्रिमिनल पर नहीं या निहत्ते बूढ़े और महिलाओं पे गोलियां चलाई गई थी। और इस हत्याकांड में भाई सैकड़ों लोगों को मार डाला गया था। और किसी घटना का अगर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम में अगर प्रभाव पड़ा है तो वो यही घटना थी, यही जघन्य हत्याकांड था। इसी घटना को याद करते हुए यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं भाई आगे के लिए और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम उस कुएं के पास में जो हमने कभी किताबों में पढ़ा था और अपने क्लास में बैठ के हम पढ़ा करते थे कि जलियांवाला बाग में एक कुआं था जहाँ पर 120 लोगों की लाशें मिली थी। मतलब जब यहाँ पे ये हत्याकांड हो रहा था उस वक्त गोलियों से बचने के लिए इसी कुएं में लोगों ने छलांग लगाई थी। और जब इस कुएं को देखा गया तो यहाँ पर 120 लाशें मिली थी इस कुएं के भीतर। तो मैं आपको इसे थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। यही है वो कुआं जो दोस्तों जब भी इस घटना के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि क्या वो मंजर रहा होगा जब यहाँ पे लोग कूदे होंगे और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई होगी। दोस्तों ये है वो दीवार जो ब्रिटिश सेना द्वारा चलाई गई गोलियों से बुरी तरीके से छलनी है। और सोचिए इस दीवार का ये हाल है तो उन लोगों का क्या हुआ होगा। चलिए दोस्तों कुछ और देखते हैं और जितना मुझे उसके बारे में पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था या फिर हम हत्याकांड बोलते हैं जिसे, तो इसका जो मुख्य कारण था वो था रोलट एक्ट, जिसकी वजह से मतलब ये सब हुआ था। रोलट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरते हुए जो राष्ट्रीय जन आंदोलन थे उनको कुचलने के लिए लगाया गया था। और भाई साहब रोलट एक्ट को जलियांवाला बाग की जो घटना थी उससे करीब एक महीने पहले 8 मार्च को ही लागू कर दिया गया था। और इसके बाद अगर कोई भी आंदोलन अगर करता है तो उसके ऊपर गोली चला देते थे ये लोग। और आपने उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया है कि बिना कुछ बोले या फिर बिना कुछ समझाए तुरंत जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो कुछ इस तरीके की है भाई साहब ये घटना। क्या आपको पता है जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस वक्त पूरे शहर में मतलब पूरे अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और इस कारण कोई आदमी के लिए इलाज के लिए कहीं अस्पताल भी नहीं ले जाया गया और सभी ने तड़प तड़प के यहाँ पे जान दे दी। जानते हैं यहाँ पे जो मृत्यु की संख्या थी वो थी 379 से लेके 1500 के बीच। अब क्या पता इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ लोगों ने वहाँ पर कम भी लिखा है, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी लिखा है। और मैंने 2-3 जगह मतलब पढ़ा है, एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था 379 मौतें हुई हैं और जो यहाँ का अमृतसर का जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे 484 मौतें हुई हैं लिखा है। तो ऐसा था। और दोस्तों जलियांवाला बाग के भीतर जो गैलरी बनी हुई है, जो इनका म्यूजियम है, उसमें थिएटर भी बनाया हुआ है और ये आप देख रहे हैं ये है वो थिएटर जहाँ पे इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया जाता है और क्या क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे हुआ था वो सभी कुछ, और जो अंग्रेज़ी फ़ौज द्वारा किए गए अत्याचार इसमें दिखाए जाते हैं। दोस्तों जलियांवाला बाग की जो घटना है नरसंहार और जो ये क्रूरता की जो आपने कहानी सुनी, इसको सुन के आपको यही लग रहा होगा कि जनरल डायर मिल जाए तो मैं उसको गोली मार दूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन जाके कैंस्टल हॉल में उसको गोली मार दी और भाई जनरल डायर को पहुँचा दिया ऊपर, बोले तो टपका डाला। तो भाई ये था जलियांवाला बाग का पूरा किस्सा।
जितना मुझे पता था मैंने उतना आपको बताने की कोशिश करी। बाकी मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको किताबों में पढ़ा था, इतना अच्छे से मुझे याद नहीं था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों बिल्कुल आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसको बनाने में मुझे कम से कम 2 दिन का समय लगा। 2 दिन तक मैंने 4 से 5 पेज लिखे, तब जाके ये एक वीडियो तैयार हुआ। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।